हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ेंगे। 2 का पार्ट 1 और 2 मैं बता चुका हूँ, पार्ट 3 पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, रू ही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई बस ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। देखो रूही अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ट्रेवल कर रही है। कुछ दूरी वो बस से तय कर रही है और कुछ ट्रेन से तय कर रही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में आगे बोल क्या रहा है। फर्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है, सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष दूरी बस से तय करेगा, वो 4 घंटे लेती है। कितने घंटे टाइम ले रही है? 4 आवर ले रही है। एंड इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड बाय रिमेनिंग बाय बस। देखो वो यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से तथा बची हुई दूरी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो किससे तय करे, कह रहा है बस से तय करे, तो उसे कितने अधिक लग रहा है समय। सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, वो 10 मिनट अधिक समय ले रही। पहले तो 4 घंटे ले रही थी और अब 10 घंटे। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। बस और ट्रेन की स्पीड हमें अलग अलग निकालनी है। पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी वाई किलोमीटर पर आवर। देखो ये क्लियरली आप लोगों को समझा दिया मैंने। फर्स्ट कंडीशन बोल क्या रहा है? फर्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है कि वो 60 किलोमीटर जा रही है। किससे? 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है। किससे जाती है? 60 किलोमीटर ट्रेन से। और बची हुई दूरी बस से तय करती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकाल, यहां पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो स्पीड इज इक्वल टू क्या लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगता है। यहां हम टाइम इज इक्वल टू, यहां और इसको भी यूज कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में? क्या कह रहा है कि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से तय कर रही है। कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस कितनी है उसकी घर से, उसके घर से वो जहां तक ट्रेवल कर रही है वो डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर है? 300। देखो वो 60 किलोमीटर जो है इतनी डिस्टेंस ट्रेन से जा रही है। किससे? 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है। और बची हुई दूरी कितनी है? बची हुई दूरी कितनी हुई? 300 में से 60 घटा दो, कितनी बची? 240 किलोमीटर। तो जो बची हुई दूरी है वो किससे जा रही है? ये तो ट्रेन से गई और ये किससे जाएगी? बस से, ठीक है। तो बस से कितनी दूरी गई हो? 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पे हम समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए टाइम टेकन टू, देखो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैंने बताया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम देखो जो वो ट्रेन से तय की गई दूरी, टाइम लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर और डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। यहां टू कवर इस डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो कितना समय लिया? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी? 60 किलोमीटर है डिस्टेंस, और जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया आपका, किलोमीटर ऊपर भी है और ये किलोमीटर पर आवर भी है। तो किलोमीटर से किलोमीटर आंसर कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या हमारा? आवर बचा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो टाइम हमेशा आवर में आता है, तो ये आपका आवर हो गया, 60 अपॉन एक्स आवर लगा। किसको? टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन द्वारा लिया गया समय।
अब टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल या टू कवर भी लिख सकते हैं, टू ट्रेवल अ डिस्टेंस, टू कवर अ डिस्टेंस था यहां, टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस। तो रिमेनिंग डिस्टेंस किससे किसके द्वारा तय कर रहा है, वो बस द्वारा कर रहा है, वही कह रहा ना कि कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी बस से। तो पहली जो है, पहले वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, पहले के चार घंटे ले रहा है वो ट्रेन से 60 किलोमीटर जा रहा है और बची हुई दूरी बस से। बची हुई दूरी कितनी, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी बताई थी मैंने, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, कितनी है 300 किलोमीटर है और 60 ट्रेन से कवर कर दिया, तो बची हुई दूरी क्या है, रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस से तय दूरी कितनी है 240 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल और डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखो टाइम बराबर टाइम टेकन निकाल रहे हैं, हम टाइम निकाल रहे हैं तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 240 किलोमीटर एंड स्पीड कितनी है, बस की स्पीड क्या मान रखी हमने, वाई किलोमीटर पर आवर, तो वाई हो जाएगा इतना आवर। तो दोनों को, एक को इतने घंटे लग रहे हैं, एक को इतने, तो दोनों से जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर बस से तय कर रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, रूही को कितना टाइम लग रहा है, चार घंटे लग रहे हैं, कितने घंटे लग रहे हैं, 4 आवर। तो टोटल टाइम टोटल टाइम टेकन बाय ट्रैवलिंग बस ट्रेन एंड बस ये लिखा है मैंने, टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेवलिंग ट्रेन एंड बस, ट्रेन और बस द्वारा ट्रेवल करने में कुल लिया गया समय, तो बराबर कितना है हमारा, 4 आवर है, कितना आवर है, 4 आवर्स दिया है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 आवर दिया है। तो टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेवलिंग ट्रेन एंड बस, ट्रेन से कितना समय लिया गया 60 अपॉन एक्स आवर प्लस बस द्वारा कितना लिया गया है 240 अपॉन वाई आवर इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन कितना है 4 आवर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इतना समझ में आ गया सभी के क्लियरली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है ये, आप देखो ये टाइम ये ट्रेन लेती है, इतना समय बस लेती है, जबकि ये दोनों समय जुड़ करके कितने घंटे ले रहे हैं, टोटल ट्रेवलिंग में कितना टाइम लिया जा रहा है 4 आवर्स। तो ये लिख दिया मैंने टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेवलिंग थ्रू बस ट्रेन एंड बस इज इक्वल टू 4 आवर, 4 आवर लिया जा रहा है टोटल टाइम, बट हमारे अकॉर्डिंग कितना आवर, 60 अपॉन एक्स आवर ट्रेन ले रही है और 240 अपॉन वाई आवर बस ले रही है, तो दोनों को जोड़ करके कितने आवर आएंगे 4 आवर। ठीक है, क्लियर हो गया, फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब सेकेंड कंडीशन में देखिए, नाउ सी ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर, देखो अब फिर से वही 300 किलोमीटर जा रही है वो, कितना किलोमीटर 300 किलोमीटर, इसमें से कुछ पार्ट यानी 100 किलोमीटर तो वो गई ट्रेन से, किससे गई ट्रेन से, और बची हुई दूरी जो डिस्टेंस है ये किससे कवर कर दी है वो बस से, तो बस से कितनी कवर करेगी, देखो देखो टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, 300 में से 100 किलोमीटर ट्रेन से चले गई हो, 100 किलोमीटर ट्रेन से चलेगी तो बचा कितना, 300 में से 100 घटा दो कितना बचा 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर किससे गई हो बस से। तो हमारा क्लियर हो गया, यहां पे लिखेंगे ना सी टेक्स टाइम टू कवर डिस्टेंस, या ऐसे लिख सकते हैं टाइम, फिर से टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल और डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लिया गया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना के है एक्स किलोमीटर, तो इतना घंटा लिया गया। दूसरी कंडीशन बता रहा हूं मैं, 100 किलोमीटर जब वो ट्रेन से जा रही है, अब दूसरी कंडीशन दूसरा क्या है, टाइम टेकन बाय ट्रेन, सॉरी अब बस द्वारा,
क्योंकि बची हुई दूरी बस से तय कर दी ना, बस टू ट्रेवल और डिस्टेंस और कितना देखो 300 किलोमीटर से 100 किलोमीटर ट्रेन से तय कर लिया, अब बचा कितना 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस इजिकल टू टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इजिकल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है बस की वाई किलोमीटर पर आवर, तो वाई तो इतना घंटा 100 बट्टे एक्स घंटा ट्रेन से लग रहा और बस से कितना लग रहा 200 अपॉन वाई आवर, ठीक है। तो टोटल टाइम जो टेक कर रहा है वो क्या कर रहा है पहले से 10 मिनट लॉन्गर, यानी पहले से 10 मिनट अधिक समय ले रहा है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड बस, ट्रेन और बस द्वारा लिया गया कुल समय, कितना है 10 मिनट फालतू लग रहे हैं, लॉन्गर लग रहा है, मतलब लॉन्गर का मतलब अधिक। तो पहले कितने आवर लगे थे, 4 आवर प्लस 10 मिनट। तो जो नया समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 आवर प्लस 10 मिनट। तो 4 आवर प्लस 10 मिनट को भी हम आवर में बदल दें, क्योंकि पहले वाला हमने आवर में बदला है तो इसे भी आवर ही बना लेते हैं। तो 4 आवर कंप्लीट है, देखो 4 आवर कंप्लीट है, ठीक है, प्लस 10 मिनट, 10 मिनट को आवर में बदलो। आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, देखो एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है, तो इसलिए 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा 1/60 आवर, और इसलिए 10 मिनट, 10 मिनट का निकाल लेना, 10 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/60 × 10, तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10/60, 10 × 10/60, और 0 से 0 कट गया 1/6 आवर, तो 1/6 आवर हो गया हमारा, यानी 10 मिनट, 10 मिनट को आवर में बदलेंगे तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे 10 मिनट को, ठीक है। तो 10/60 आवर हो जाएगा, 0 से 0 कटा तो 1/6 आवर, तो 1/6 आवर लिख सकते हैं हम। इसको ऐसा कर सकते हैं, एलसीएम लेके, एलसीएम ले लो, यहां 6 4 जा, ये 6 होल, 1/6 आवर आ रहा है, तो 6 6 24 24 1 25, 25/6 आवर लिख सकते हैं हम इसको, तो इसको हम इक्वल में लिख सकते हैं ऐसे, देखो अपॉन भी कर सकते हैं आप चाहो तो, 6 एलसीएम ले लो, 1 का 6 बाहर गया तो 6 4 जा 24 आवर, प्लस 6 1 जा 6 तो 1 1 जा 1, तो आवर 24 आवर में 1 आवर ऐड करके 25/6, 25 ऊपर आ गया, 6 नीचे अपॉन में आवर, दोनों आवर में है, तो आवर को ऐसे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। 25/ लिख सकते हैं हम, 4 घंटे 10 मिनट को लिख सकते हैं हम, यानी 4 आवर 10 मिनट को लिख सकते हैं हम 25/ इसको ऐसे लिखा जा सकता है बराबर, इस टाइम को लिख सकते हैं हम ऐसे, यानी 10 मिनट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 आवर, 4 आवर कंप्लीट है हमारा, और प्लस 10 मिनट का मतलब 1/6 आवर, तो 4 6 24 1 25, 25/25/6 आवर, तो जो नया टाइम है वो हमारा कितना है, वो 25/6 आवर है, ठीक है। तो ये टाइम जो हमारे ये दोनों टाइम है ना, बस द्वारा लिया गया टाइम कितना है, ट्रेन द्वारा 100/x आवर, प्लस बस द्वारा कितना है 200/y आवर, इज इक्वल टू टोटल टाइम हमारा, टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम टेकन बाय बस एंड ट्रेन, ट्रेन एंड बस, ट्रेन द्वारा लिया गया समय ये और बस द्वारा लिया गया समय ये, इज इक्वल टू कितने आवर है वो 4 आवर प्लस 10 मिनट, 4 आवर 10 मिनट को हमने आवर में बदला तो कितना हो गया 25/6 आवर, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी, क्या हो गई ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन बन चुके हैं हमारे लिए, बहुत आसान हो गया। 60 पहले वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 × 1/x, और इसको लिख सकते हैं 100 × 1/x, देखो 1/x 1/x अलग अलग हो गया, और दूसरे वाले में 240 × 1/y, और यहां 200 × 1/y, तो 1/y और 1/x का गेम में आपको लास्ट 2 वीडियोस में बता चुका हूं, और पिछली वीडियोस में भी, मतलब लास्ट के 3-4 वीडियोस में इसी से रिलेटेड बना के आया हूं, तो आप देख सकते हैं वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन को, यानी फ्रैक्शनल क्वेश्चन को हम कैसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद कैसे इनका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए इसको 1/x की जगह पे a रख देंगे तो ये हमारा 60a हो जाएगा, और 1/y की जगह पे b रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 240b हो जाएगा,
वैसे 200 बी और 100 ए। ठीक है, चलिए इतना आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। यहां पे लिख देता हूं मैं पुटिंग 1 upon x = a and 1 upon y। देखो इसमें 1 upon x बच रहा है और इसमें 1 upon y, इसमें 1 upon x और इसमें 1 upon y। 1 upon x बराबर a मान लेते हैं और 1 upon y = b मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे पुटिंग 1 upon x = a and 1 upon y = b इन द गिवन इक्वेशन, या इन द इक्वेशन 1 and 2, एक और दो में इनको हम पुट कर देंगे। चलिए यहां तक आप लोगों ने आप लोग वीडियो वॉच करके उतार लेंगे, बाकी मैं ऊपर सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को। चलिए देख लीजिए, यहां पे पहला इक्वेशन जो है हमारा 60 upon x है, तो 60 into 1 upon x हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 upon x को 60 into 1 upon x लिख सकते हैं इसको, 61 जा 60, ठीक, अपॉन में x है तो 1 upon x की जगह पे a, तो 60 into 1 upon x की जगह पे a रखेंगे तो 60 a हो जाएगा हमारा, प्लस इसको लिख सकते हैं हम 240 into 1 upon y, 1 upon y की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, b पुट कर रहे हैं तो b लिख दीजिए, 240 b = 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में 100 into 1 upon x है तो 100x हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस 200 into 1 upon y तो 200y, सॉरी 200b, क्योंकि ये x की जगह पे 1 upon x की जगह पे a और इसकी जगह पे b पुट कर देंगे, = 25/6 है। तो एक काम हो सकता है 25 से सारे ये वो हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, या 6 को ट्रांसपोज कर लेते हैं। देख लीजिए यहां पे क्या हो रहा है आप लोगों का, इसको अभी इक्वेशन नहीं बनाएंगे हम, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 हो जाएगा और ये 6 2 12 100 हो जाएगा और ये 25, फिर ये डिवाइड हो रहे हैं 25 से। देखो एक काम करते हैं, 25 इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 25 बाहर आ गया, यहां बचा 25 4 जा 4a, प्लस 25 8 जा 200 हो रहा 8b = 1, ये हो जाएगा आपका 25/6। देखो 25 यहां भी है, 25 इधर भी है, तो एक चीज तो क्लियर है, ये इसको चाहे हम पहले मल्टीप्लाई करें बाद में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड तो हमें 25 से करने ही करना है, तो 25 से डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं हम, 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट कट गया 1 आ गया, तो 6 4 जा 6 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 24a प्लस 8 = 48b और = 1 का 1, तो 6 भी ट्रांसपोज हो गया और 1 यहीं पे रहा, 1 इधर ही रहा और इस 6 को हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। यहां तक क्लियरली आप लोगों के समझ में आ चुका होगा वीडियो। चलिए देखिए, अब दोनों दो इक्वेशन हमने इस तरीके से बना लिए हैं, अब इनको सारे मिटा देते हैं, इरेज कर लेंगे। आई होप आप लोगों के समझ में आ रही होगी वीडियो। चलिए यहां पे कंपेयर कीजिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को। देखिए इसमें एक टर्म को हमने क्या करना है, इलिमिनेट करना है। मैंने कहा था इलिमिनेशन मेथड से मैं ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यहां पे। यहां पे 60a है और यहां पे 240b है, लेकिन यहां पे 24a है, तो हम a वाले टर्म को इक्वल कर देंगे। देखो यहां 120 होगा और यहां भी 120, तो यहां 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर हमें 2 का मल्टीप्लाई, तभी ये 120 होगा और ये भी 120 तभी होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, दोनों में लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 एंड इक्वेशन फोर बाय यहां 5 का, यहां 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 5 का इक्वेशन 4/5। देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 120 a प्लस यहां भी 2 का, 240 है तो 480 हो जाएगा, 480b = 2 का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, यहां 5 का कर रहे हैं तो 5 24 5 जा 120 a
प्लस फाइव का यहां भी कीजिए, फाइव फाइव एट जा 40 कैरी, 48 का जीरो हासिल चार आया, तो फाइव से कर रहे हैं, फाइव फोर जाए 20 और 4 24, ऐसे हो सकता है। देखिए 5 8 जा 40 का जीरो कैरी 4 और 5 5 4 जा 20 24 24 हो गया इजिकल टू 5 1 जा 5, ये क्लियर हो गया। अब देखो हम इलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं तो दोनों के सेम साइन है तो साइन चेंज करने पड़ते हैं ना इलिमिनेट करने के लिए, तो ऑन सबट्रैक्टिंग लिख देंगे हम, या सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 कर सकते हैं, ठीक है। सबट्रैक्टिंग ऑन सबट्रैक्टिंग लिख दिया, ठीक है। सबट्रैक्ट करने पर ऑन सबट्रैक्टिंग, ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। सबट्रैक्ट करने पे यहां पे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये घटेंगे, यहां पे आपका बचा जीरो जीरो, फोर एट में से फोर गया 4 और यहां पे 2 बचा, इजिकल टू 5 में से 8 गया 3, तो b इजिकल टू कितना बचा 3 अपॉन 240 और 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 जीरो, यानी b इजिकल टू कितना आया 1 अपॉन 80 आया आपका, b की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 80। अब b की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 या 4 किसी में भी। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं b की वैल्यू, देखो 60a है, 3 क्या है 60a प्लस 240 इंटू बी है, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 1 अपॉन 80, बी की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन 80 इजिकल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें पुट कर दिया हमने 60a प्लस 240 इंटू बी है, बी की वैल्यू बी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 1 अपॉन 80 और इजिकल टू 4, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 3 जा 24, तो 3 बार गया, हम इसको लिख सकते हैं 60a प्लस 3 1 जा 3 इजिकल टू 4 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। 60a अपनी जगह पे रहेगा और इजिकल टू 4 अपनी जगह पे रहेगा, 3 वहां जाके यहां प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 60a इजिकल टू 4 में से 3 गया 1 बचा और a इजिकल टू क्या आया आपका 1 अपॉन 60। चलिए ये वैल्यूज आप लोगों के समझ में आ गई होंगी a और b की, ए की वैल्यू हेयर लिखेंगे, हेयर हेयर देखिए, हेयर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 एंड बी इज इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन 80। ए और बी की वैल्यू तो निकाल दी, एक्चुअल वैल्यू हमें किसकी चाहिए, एक्स और वाई की, क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड है एक्स मान के और बस की क्या मान रखी हमने वाई किलोमीटर पर आवर मान रखी, तो एक्स और वाई की स्पीड चाहिए हमें। हेयर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 एंड बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 80, बट हमारे अकॉर्डिंग हमने माना क्या है, बट 1 अपॉन x बराबर a माना है एंड 1 अपॉन y बराबर b, यही मान रखा है हमने, ठीक है। तो 1 अपॉन x की जगह पे रख लीजिए इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 60 एंड b की जगह पे 1 अपॉन y इक्वल टू b की जगह पे 1 अपॉन 80, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 61 जा 60 इक्वल टू x1 जा x एंड 81 जा 80 इक्वल टू y1 जा y, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। और यहां हम लिख सकते हैं इसको x बराबर 60 एंड y इक्वल टू 80, ठीक है, ये x और y की वैल्यू आ गई, हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, एक्स मान रखी थी 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू, देखो ट्रेन की स्पीड तो कितने किलोमीटर आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और बस की क्या मान रखी थी y किलोमीटर पर आवर,
तो वाई की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर, समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों के समझ में आई होगी वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। प्लीज अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।